मुक्तानंद मान रहे सत्संगी प्यारियों, धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह ने मानवता के कल्याण लई पावन पवित्र सठ खंड श्री हरिमंदर साहब विखे तख्तां ते विराजमान जो अलाही हुक्म बख्शिश किया है सन्मान योग सिंह साहबान जी उन्होंने वह पढ़ के सानू सुनाया। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन पवित्र अंग 696 के उत्ते अमृतमई बचन सुशोभित है। बिरतियां की एकाग्रता बनाइए। सब तो पहला गुरु फतेह जी सांझ करो, इस अमृत बचन की आप रल मिल सांझ पा सकीए। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिंदगी विच दो शब्द बड़ी महानता रखते ने, एक अर्थ ते दूजा बेअर्था। एक शब्द है किसी लेखे विच लग जाना, मेहनत करिए कि मंजिल मिल जाए। एक शब्द है जिंदगी दा कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाना। दूजा अर्थ है भी मेहनत बड़ी कीती पर कुछ सफल ना हुई, बेकार चलेगी, उन्हें बिरथा कहंदे ने। हजूर कहन लगे भी समुची कायनात विच बंदिया तो सब तो वध जागया होया, बाकी जीव जंतु तो वध सब तो वध जिहड़ी सोझी है वह मनुख दे कोल है। इसलिए मेरे मालिक ने कृपा की, कहन लगे बाकी का जीवन भावे बिरथा होवे वो संभाल रब करेगा, पर मनुख नू दो चीजा साहब ने दित्तियां ने, एक सूझ बूझ दित्ती है नाल इनू धार्मिक दुनिया ते गुरु दिता है। तेनू ते सोची होवे, तेनू ते ज्ञान होवे मेरे जीवन का कोई मकसद है, मेरे जीवन का कोई निशाना है, मेरे जीवन की कोई मंजिल है, मेरी कोई जिम्मेवारी है, मेरे सामने कोई निशाना है जिहदी मैं प्राप्ति करनी है। दुनिया में मैं कला जीवन गुजारना नहीं बल्कि मैं अपनी मंजिल तक भी पहुंचना है। किते ऐसा वक्त ना आवे मेरा शरीर तो कुख तो जन्म लेके कब्र तक पहुंच जाए, ते किते ऐसा वक्त ना आवे मेरी आत्मा रब तो बिछड़ी ते मुड़ रब नाल ना मिल सके, बल्कि ऐसा हो जाए मेरा शरीर कुख तो जन्म लेके कब्र तक पहुंचने तो पहला पहला मेरी आत्मा परमात्मा तक पहुंच जाए ते मैं अपने जीवन दे निशाने नू प्राप्त कर लवां। हजूर कहन लगे भी वह निशाना प्राप्त तां हो सकदा है जे किते तू अपने जीवन दी बेड़ी विच गुरु नू बिठा ले, गुरु नू धारण कर ले, गुरु तेनू कदम कदम ते बातां समझाएगा, तेरा जीवन बिरथा किवें जांदा है ते तेरा जीवन साकार किवें होना है गुरु ये गल समझाएगा। असी अलपग जीव है, सरबग दाते दीआं बातां नहीं समझ पाउंदे ते ओ दातां केवल गुरु समझाउंदा है। तेरे जीवन दा निशाना की है, तेरे जीवन का मकसद की है, तू की करन दुनिया विच आया होया है, तू केवल जीवन गुजारन ही आया होया। ये गल्लां सानू सतगुरु कोल आके पता लगनगियां। बिना गुरु तो जीवन का हनेरा कदे दूर नहीं हो सकता। गुरु की बाणी दे बड़े प्यारे बोल ने, साहब जी आखते ने कहन लगे भलिया जरा जीवन जोबन गया किस किया ना नीका, ए जियरा निर्मोल को कौडी लगमीका। इतना कीमती हीरा तू अपनी जिंदगी दे अंदर कौडियां बदले गुजार के तुर चले हैं। आयो सुनन पढ़न को बाणी नाम विसार लगे अन लालच बिरथा जन्म प्राणी। प्राणी तू आया लाहा लैण लगा कित को फकड़े सब मुकदी चली रहण। अपने जीवन वल झात मार, तू की करन दुनिया विच आया, तेरी जिंदगी का निशाना की है, तेरी जिंदगी का मकसद की है। अमृत बचन है रबी बाणी का, साहब जी आखते ने कहिंदे जदों मैं ये हालत वेखना है ते मेरा कई बारी जी करदा है मैनू तेथों उत्तम कई बारी पशु पंछी लगते ने। अमृत बाणी का बचन पढ़ते हो, पशु मिले चंगियाइयां, देख अपने मालिक की किड्डी वफादारी करदा है, खांदा
काफूस है पर देंदा अमृत वर्गा दुद्ध है। मालिक दी किड्डी वफादारी करदा है। कहन लगे तू खांदा 36 प्रकार है पर जबानों निंदा करना है। मालिक दी झोली विच की पाउना है, ओदे चरणा विच की रखना है, ये अपने वल आप झात मार। पशु मिले चंगे आईया, पशुआं कोलो भी किड्डियां बदियां गल्लां समझण नूं मिलदियां ने। पशु मिले चंगे आईया, खाड़ खावे अमृत दे नाम भी हुणे आदमी त्रिग जीवन कर्म करे। कहन लगे भलिया जे तू इना कुछ खाके भी, शेख साधी दे इक बचन बड़ी बड़ी याद करदे हो, ओ कहंदे ने बंदिया कदे कां नूं देखी, कदे पंछियां नूं देखी, कदे कबूतरां नूं वेखी, कदे पशुआं नूं वेखी, ओ खाण तों पहलां सिर झुकांदे ने फिर कुछ खांदे ने। कहन लगे रब ने तेनू कायनात दा मुखी बनाया, सिकदार बनाया, फिर तू इना ते कर लै भई जे खाण तों पहलां सिर नहीं झुका सकदा, कुछ खा के ही सिर झुका लै, खा के ही अपनी जबानों कह दे जे प्रसाद 36 अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे। जेडे मालिक ने तेनू इना कुछ दिता है तू ओदे मुकाबले विच रहन गवाई सोए कह, दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। खांदिया खांदिया मूह कठा पहनदिया सब अंग, त्रिग तिना दा जीवया जिन सच ना लगो रंग। तेनू कदे मालिक दा चेता ही नहीं आया, तेनू कदे साईं दा चेता ही नहीं आया। हजूर ते किड्डे प्यारे बोल ने धन गुरु तेग बहादुर साहिब पिता जी दे। हजूर आखते ने कहिंदे बंदिया अपने वल झात मार के देख, अपने दिल नू हर रोज खोज के वेख, तेरियां परेशानियां मिट जाणगियां। मैं तेनू समझाउणा चाहुंदा आ ते तेरे अखां दे सामने है, जे बाकी रबी बख्शां तेनू नहीं दिसदियां आ ते तेरियां अखां दे सामने है ना। तन तन जे तो को दियो, तेनू वरतण लई तन दित्ता है ते तेरे जीवन वास्ते हंडाउण वास्ते तेनू तन दित्ता है रब ने, तेनू दे अरोगता दी दात बख्शी है, शरीर दित्ता है, इस नूं ते तू अपनियां अखां दे सामने वेख सकदा है ना। तन तन जे तो को दियो ताच्यो नेहो ना कीन, कौ नानक नर बाबरे अब क्यों दौलत दीन। मैं तेनू पुछना चाहना तू अपने धर्म तो, तू अपनी इंसानियत तो, तू अपने फर्ज तो, तू अपने जीवन विचों क्यों कुताही करना। जेड़े रब ने तेनू एडी सोहनी देही दिती, जेड़े रब ने तेनू वरतण वास्ते धन दिता, जेड़े रब ने तेरी झोली विच बरकतां पाईआं, तू ओहदे नाल भी कदे प्यार नहीं कीता। प्यार करदा है दुनिया दे नाल, संसार दे नाल स्वार्थी प्रीत गंड पा लैंदा है। पर मालिक जी आखते ने एक श्लोक होर गुरु तेग बहादुर साहिब जी का ख्याल विच रखो, जे ओहदे अंदर किड्डी कमाल की बात आखी है। तन तन कहन लगे संपै सुख दियो, अरजे नीके धाम, कौ नानक सुन रे मन, सिमरत काहे ना राम। जेड़े रब ने तेनू शरीर दिता, जेड़े रब ने तेनू जमीन जायदाद दिती, जेड़े रब ने तेनू दौलतां नाल झोलियां भरियां, जेड़े रब ने तेनू दे अरोगता दिती, जेड़े रब ने तेनू स्वासां दी पूंजी दिती, जेड़े रब ने तेनू घर परिवार दिता, जेड़े रब ने तेरियां झोलियां खुशियां नाल भरियां, ओ भलिया तू कदे ओहदा भी शुकराना करिया कर, तू कदे ओहदा भी धन्नवाद करिया कर, निरंकार दे चरणां विच जुड़ के कदे ओहदा भी शुकर करिया कर। मैं ते हैरान हुन्ना भलिया तेरा जीवन बिरथा जांदा है जे तू साईं दा कदे शुकर नहीं करदा। तेरा जीवन अर्थ विच लग जाणा है जे सब कुछ वरतदिया होया किते साईं दा शुकराना करना तेनू आ जाए, मालिक दा धन्नवाद करना आ जाए, मालिक दे चरणां विच जुड़ना तेनू आ जाए। सच्चा धर्मी ही उह है इंसानियत दा जे तेनू जेड़े रब ने सब कुछ दित्ता है। साहिब कहिंदे भलिया तू अपने आप नाल इन्नी गल ही सोच लै भई मैं रब दियां दित्तियां दातां दा शुकर करना ही सिख लवां, तेरी एहो इबादत बन जानी है, तेनू एहो ही रब दे घर पहुंच जाएगा, तेनू एहो ही रबी गोद तक लेके पहुंच जाएगा। अपने मन अंदर झात मार। मैं दो श्लोक होर कह के अज दे मुबारक शब्द दी गोद विच अपने मन नू टिकाउण दी कोशिश करांगे। आपां हजूर दी बाणी दा वचन है आसा की वार इत्थों ही आरंभ हुंदी है। नित दिहाड़े पढ़न सुनण वाले हो कदे ता इन्हां गुरु शब्दां दे शीशे विचों अपना चेहरा देखिए। बलिहारी गुरी अपने, दिओ हाड़ी सदवार,
जिन मानस दे देवते किए करत ना लागी वार। कहिंदे गुरु ने कृपा करके मेरे जीवन विच गुरु ने मानस देवते वर्गी अंदर रब्बी गुण रख दिते। शरीर सारिया का इको जिहा है, कोई बहुता फर्क नहीं, पंजां तत्तां दा ही बनिया होया है। सारिया के अंदर किसी नूं बहुत प्यार, किसी नूं सारा कुछ प्राप्त हुंदा है, उहदा कारण इह है उहदे अंदर रखे हुए गुण ने जिहड़े तेरे अंदरली इंसानियत है तेनूं देवता बनाया। शुक्र कर मालिक दा बलिहारी गुरु अपने ज्योहारी सदवार। जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी बार। जे सो चंदा उगवे, जे कोई तू देवता आप बनना चाहे तेरे को बनिया नहीं जाना। ये मत सोची जीवन विच इन्ना हनेरा है, वह जेडे रबी गुण तेनू रब दे सकदा है, गुरु दे सकदा है, वह तेनू नहीं जे मिलने। अमृत बाणी का वचन है बड़ा प्यारा, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, केते चानण हुंदियां गुरबिन कोर अंधार। कोई मनुख कवे भई मैं ते बहुत पढ़िया लिखिया सियाणा दाना है, हो सकता है किसी दियां अकलां बहुत उड़ानियां मारन वालियां होवे, पर मेरे मालिक जी आखते ने कहिंदे नानक गुरु ना चेतनी, मन अपने सुचेत, छुट्टे तिल बुआड़ दियो सुनिए अंदर खेत, खेते अंदर छुट्टियां कहो नानक सोना, फलियां फुलियां बपड़े पीतन विच सवा। कहिंदे दो तिलां दे बूटे नूं बाहरों ना देखी तू भरेखा खा जाएगा, तेनू ये गल समझ नहीं लगनी, तेरा मन फैसला नहीं कर पाएगा। तेनू एक आम तिलां दा बूटा भी ओहा जिहा लगना है, तेनू एक जिहड़ा विच सवा रखी बैठा है वह तिलां दा बूटा भी तेनू इको जिहा लगना है। उन्हां दीआं शकलां भी इको जिहियां ने, खड़े भी इको खेत विच ने, इको मालिक की नजर विच ने। मालिक पानी भी दिंदा है, मालिक खाद भी दिंदा है, सारा कुछ बराबर करदा है, पर पता नहीं लगता एक बूटा वो है जिन्हें अपने विच तिल संभाले हुए ने, एक बूटा वो है जिन्हें अपने विच सवा संभाली हुई है। वो कहन लग्या आपस विच ही तेरे और मेरे विच अंतर की है, आपां इको जिही तां हां, इको थां ते वसने हैं, इको जिहा खाने हैं, इको जिहा पहनते हैं, इको जी मालिक की नजर विच है, तेरा मेरा स्वरूप भी इको जिहा, अंतर की है। फिर गुरु दसेगा ओ भलिया, ओ भलिया तेनू इस गल का पता नहीं लगना, मैं तेनू नेड़े होके दिखाउना है। एक तिलां दा बूटा वो है जिहदे कोल तिल संभाले ने, एक तिलां दा बूटा वो है जिहदे अंदर सवा है, ओनू मालिक फिर वढ के अपने घर नहीं लेके जांदा, ओनू प्रवान नहीं करदा। बहुतात दुनिया जिन्हां दे अंदर विषय विकारां दी सवा भरी हुई है, बहुत घट लोग ने जिन्हां कोल रब्बी दे गुण रूपी तिल संभाले हुए ने। शेख फरीद ने इसे लिए बचन आख्या सी ना, जे जाना तिल थोड़े संभल बुक भरी। कहन लगे तेरे कोल ते स्वासा रूपी तिल बड़े थोड़े ने, रब ने तेरे अंदर रखे ने भलिया। वो जेड़े तिल संभाल लेंदे ने, अपने जीवन नूं संभाल लेंदे ने, सच करके जाने उते कबूल हो जांदे ने, पर जेड़े तिलां नूं गवा के अपने अंदर विषय विकारां दी कालक भर लेंदे ने, वो फिर मालिक दे दर ते कबूल नहीं हुंदे, साईं दे दर ते प्रवान नहीं हुंदे। तेनू वेखण विच अंतर लगेगा, दोनों विचों तेनू फैसला करना औखा होवेगा, पर गुरु कोल बैठ के देखी गुरु तेनू दसेगा। नानक गुरु ना चेतनी, मन अपने सुचेत, छुट्टे तिल बुआड़ दियो सुनिए अंदर खेत, खेते अंदर छुट्टियां कहो नानक सोना, फलियां फुलियां बपड़े पीतन विच सवा। गुरु तेनू सारियां गल्लां वखरियां दसेगा, अंदर किते सवा ना भर के ले जाई, गुरु दे दर कबूल नहीं होवेगा। साई दे चंगे गुणा नूं अंदर धारण करी, तेरा जीवन व्यर्था नहीं होवेगा, साई दे दर ते प्रवान हो जाएगा, कबूल हो जाएगा। मैं ते हैरान हुन्ना कई बारी किड़ियां दातां गुरु ने बख्शिश कीतियां ने, किसे गल्लों भी सानू कोई कमी विच नहीं सी छड़िया, हर गल गुरु ने अपने वलों बदला के देती सी। कदे समां सी मनुख बड़ा चलाकियां करदा है, कदे समां सी इहने अगे इतराज रखिया, देखो जी उदो बंदे नू नहीं सी पता, उदो इहनू नहीं सी सूझबूझ, उदो इह अपने केसां नू नहीं सी सवारदा, नहीं सी संभालदा। फिर समां आया, नाई आए जिंदगी दे अंदर, उन्होंने मनुख की कांड छांट कीती, उन्होंने सवारिया, किड्डा सोहना लगदा मनुख सवारिया होया, मेरा गुरु किड्डा कमाल दा है,
कह लगे पुतवे जे तेनू नाई सवार दे ने ना तो यह भी फिक्र ना करी तू रोज नाइया को जाई तू रोज नाइया को जाई जे तेन लगता है भाई नाई सवार देंदे ने तू रोज नाइया को जाई दूजे तो भावे अठी सत्ती दिन ही जाते ने कोई नागा भी पा लेंदे ने ओ गुरु क्या सिखा ओ बाणी पन वालिया सिखा ओ हरिमंदर साहब नू दिल विच बसाउण वालिया सिखा ओ गुरु गोबिंद सिंह दे परोपकारां नू याद करन वालिया सिखा तू दुनिया दे विचों दूजे तो कदे कदाई नाइया कोल जांदे ने तू रोज नाई कोल जाई हर रोज नाई कोल जाई तू अपने वलों नागा ना पाई पर ए गल चेता रखियो पुत्रा तू उस नाई को ना जाई जेड़ा तेरे केस कट के तेरी शक्ल बिगाड़ देंदे तू उस नाई को जाई जेड़ा पंजा प्यारियां विचों साहिब सिंह नाई है और तेनू दसेगा गुरु चरणा में जुड़ के नाई भी किवें गुरु दर ते प्रवान हो जांदे मैं तेनू दसांगा गुरु का प्यारा किवें बनना गुरु के चरणा विच किवें जुड़ना साडे कोल किसे दा घाटा नहीं मैं बेनती करा दुनिया नाइया को सवारदी है जे तू नाइया को सवारना सिख गुरु ने केस तेनू कटन वास्ते नहीं गुरु ने केस तेनू सवारन वास्ते दिते ने साडे कोल भी नाई है जद तू ओदे कोल जाएगा गुरु आखेगा मैं तेनू प्यारा बना लिया जदों भी कड़ा प्रसाद की डेग वरताई जाती है ते पहला ओ साहिब सिंह नू कढ़ के बाकी संगत नू वरताई जाती है ओ गुरु दे चरणा विच एडा प्यारा हो गया दुनिया दे बाकी नाई तां बिगाड़ देणगे ओते फिर गुरु आखेगा भलिया जे तेरे अपने जीवन विच सोची है आग्या मोरी सुनो तुम प्यारे बिना केस तेगं देवो ना दिदारे पर जिदन तू अमृत छाके उन्हां पंजां प्यारियां कोल सद के आ गया ना फिर उस दिन गुरु तेनू कवेगा आ मेरे पुत वे तेनू गलबकड़ी विच लै ला क्योंकि तू साहिब सिंह दा सवारिया होया मेरे कोल आया मैं हाथ जोड़ तुहाडे चरणां विच बेनती करा गुरु ने सानू जीवन लेखे विच लाउण दीआं एक एक जुगता समझाइया ने जेडे मालिक ने तेनू इना कुछ दिता है अपने अंदर झात मार गुरु कोल बैठ के झात मार फिर तेनू पता लगेगा शब्द के अर्थ भी नाल नाल लेके चलने ने सतगुरु दाते ने अज बड़ी मेहर की है धन गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह का यह अलग ही सुनेहा सानू बख्शिश किया होया है रहाओ बड़े बन तो शुरुआत कर रहे हैं नाल नाल चलन की कोशिश करो जी मेरे मन भज राम नाम सब अर्थ मेरे मन सब तो पहले तो मना तू आप बैठ के फैसला कर मैनू पता जब तेन किसी दूजे की गल मननी पैंदी तू तकलीफ मनना जेड़ा काम तेन अपने आप नू करनू देईए तू बड़ी खुशी ना कर लेना जेड़ा काम तेन दूजा मनवावे तू तकलीफ मनना मैं तेन पूछना चाहना मना तू आप बैठ के फैसला कर मेरे मन भज तू याद कर राम नाम उस मालिक दे चरणा में जुड़ के सब अर्था तेरा जीवन समुचे का समुचा किसे लेखे लग जाएगा तेरा खाना तेरा पहनना तेरा सोना तेरा जागना तेरा बोलना तेरा चलना तेरा कार विहार तेरा किरदार तेरा सोचना तेरा फिरना सब कुछ रब दे लेखे लग जाएगा बस इको ही काम अपने जीवन विच कर लवी वो काम यह है रब नू याद करके तुरी मैं किधर तुरने फिर शराबां दे ठेकियां ते नहीं जाएगा रब नू याद करके सुनी मैं की सुनने फिर दुनिया दे गाने नहीं सुनेगा रब नू याद करके पढ़ी मैं की पढ़ने फिर विकारी नावल नहीं पढ़ेगा गुरबाणी पढ़ेगा रब नू पुछ के बैठी मैं किथे बैठना सत्ती पैरी सत भला बइए पढ़िया पास उठे पाप पुन विचारीए कूड़े कट्टे रास फिर गुरु तेनू आखेगा तू किहो जिहा जीवन गुजार ए मना तू गुरु नू पुछ के वेखोए मेरे मन भज राम नाम सब अर्थ जिदन तू रब दे चरणा में जुड़ गया तेरा सारे दा सारा जीवन अर्थ विच लग जाना जी गोरा पूरा हर नाम दड़ाया
ਬਿਨ ਨਾਵਾ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਲੜਾਇਆ। ਦਿਲੜਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਕੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਵੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਟਕਾਰਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਪਹਿਰੇ ਖਾਏ, ਜੋ ਕੁੱਕਰ ਜੂਠਣ ਪੇ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ ਹਰ ਗਿਰਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਬਚਿਓ, ਤਿੰਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ, ਤਿੰਨ ਸੁੰਜੀ ਦੇ ਫਿਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ, ਕੋਈ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੂਹੇ ਕਰਾਂਜਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦਾਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੇਖ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਵੇਖ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਝੋੜੀਆਂ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੈਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਡੰਗ ਦੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੈਸਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜੈਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ 11ਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਹ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੋ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਗੁਰਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਭਈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕੌਮੀ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਆਹ ਵੀ ਵਚਨ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਜੇ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਖਿਰਦੇ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਤੇਰੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ ਸੱਜਣਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ 38 ਦਿਨਾਂ ਚ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਜੇ ਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗੀ, ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਗਿਰਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਅੰਦਰਲਾ ਸਫ਼ਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ।
मेरा ईयर है, मेरे गिरदे विच मेरे दिमाग च नहीं है, मेरे गिरदे च दिमाग च बड़ी सौखी बज जाती है, मेरा ईयर है रतन नाम हर बसिया, गुरु ने कृपा कर दिती मेरे गिरदे विच नाम रतन बस गया, गुर हाथ धरियो मेरा माथा, मेरे मथे उत्ते गुरु ने रहमत भरिया हाथ रख दिता, ते जिहदे सिर उत्ते गुरु मेहर भरिया हाथ रख देवे, जिसके सिर उपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, बोल ना जाने माया मद माता, मरण चीत ना आवे, ओते जीवन अपना सफला कर लेंदे ने, कदे गुरु दी बुक्कल विच आके देख, कदे गुरु दी गोद विच आके देख, गुरु तेरे गिरदे विच नाम रूपी मोती गुणा रूपी मोती किवें रख देवेगा, ए गुरु चरणा विच जाके जुड़ के पता लगेगा जी। जनम जनम के किल विख दुख उतारे, गुर नाम दियो रिन लाथा, जन्म जन्मांतरां दे जिहड़े किल विख पाप कीते होए ने, जिहड़े जीवन दी भटकणां विच पाप कीते होए ने, ओ सारी उतर जाणगे, गुरु ने नाम दी दात दित्ती। रिन दा अर्थ हुंदा है, रिन दा अर्थ हुंदा है करजा, साडे सिर बहुत वड्डा करजा है, याद रखो जे जिहड़े कर्ज नूं याद रखदे ने ਉਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅਵੇਸਲਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਕਰਜ਼, ਇੱਕ ਮਰਜ਼, ਇੱਕ ਫਰਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਦੂਜਾ ਮਰਜ਼, ਮਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਫਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ, ਤੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗਾਥਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ, ਸੰਖੇਪ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ, ਅਜੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਏ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ, ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਧੀਏ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹਜੇ ਖੇਡਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਧੀਏ ਤੂੰ ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਚੱਲ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਖਾਣ ਹੰਢਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਚਿੱਟਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਚੀਏ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਕਲੈਣੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਧਰੇ ਤੇਰਾ ਦੁਬਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੀਏ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਸੇਠ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬੱਚੀਏ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਚਿੜੀਆਂ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਰੇ ਮਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿੰਤਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੀਏ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੇਠ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸੇਠ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਰਾਈ ਜਿਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੋੜ ਦੇ, ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਵਕਤ ਆਇਆ, ਸੇਠ ਆਇਆ, ਚੰਦ ਕੁ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ,
क्योंकि मेरी पहला शादी हुई है, मेरे घर दो बच्चे ने, मैं प्रगट नहीं कर सकता, पर यह बादड़ी ते मैनू तरस आया, मैं इनू अपने घर वैसे ले जाऊंगा। वह भी गल मापिया मन ली। जदों बच्ची नू सेठ दे नाल तोरन लगे ने चादर पाके, उहदे बच्ची दे सामने एक कागज रख दिता, धीए इहदे उत्ते सहन कर दे। पिता जी किस गल दे, किस गल दे? कहन लगे धीए सेठ ने तीन शर्तां रख दित्तियां ने, उह शर्तां तैनू मन्नणियां पैणियां ने। पहली गल, तैनू इह शर्त रखी है भई तू जदों सेठ दे घर जावें, तू उहदे घर रहिंदिआं होइआं सेठ की जमीन जायदाद विचों एक रुपया लैण दा हकदार नहीं होवेगी। तैनू कुछ नहीं मिल सकता, दो वक्त की रोटी ते कपड़ा मिल सकता है, तू इहदे ते सहन कर दे। दूजी शर्त की है? दूजी शर्त यह है भी जिहड़ी उहदी घरवाली है ते उहदे बच्चे ने, तैनू उहनां दी आग्या विच चलना पवेगा। यह नहीं तू कर सकती कल तू उहनां दा आखा मोड़ दवें, तैनू उहनां दी आग्या विच चलना पवेगा। बच्चे भी कुछ कह सकते ने ते उह घरवाली भी कुछ कह सकती है, यह भी गल सुन ली। तीजी गल ने हिरदा मरोड़ के रख दिता। तीजी गल लिखी सी, तू जिंदगी च कदे मां नहीं बन सकती, तेनू मां बनन दा हक नहीं होवेगा। रवेगी सेठ दे घर, पत्नी बन के रवेगी, पर तू किसे बच्चे नू जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि उहदा कारण है उहदे घर पहले ही दो बच्चे ने। किथे जांदी बेचारी, होर कोई साधन नहीं सी, चुकी कलम चुकिया पेन, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੇਠ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਸਹਾਰਦੀ ਹੈ, पर बच्चे नू कतल कर दिता। दूजी बारी फिर बच्चे का कतल किया, तीजी बारी फिर बच्चे का कतल किया, अज चौथी बारी फिर दोबारे कुदरत मेहरबान होई ते उहदी कुख विच फिर बच्चा है। ते अज अपने सेठ कोल बैठ के कहन लगी, सजना कुछ भी ते तेरे कोलों नहीं मंगिया, तू जिहड़ियां रोटियां दित्तियां मैं खा लईआं, तेरी घरवाली ने उतारे हुए कपड़े दिते मैं उही पा ले, मैं कदे कोई इतराज नहीं कीता, तेरे बच्चियां नू मैनू मां समझना चाहिदा सी, पर तेरे बच्चे कई बारी कौड़े शब्द बोल दिंदे ने, मैं बर्दाश्त कर लैनी है। सजना कुछ भी ते नहीं मंगिया, एक दात ते मेरी झोली पा दे, जेड़ा आ बच्चा मैनू इहनू ते जन्म दे दण दे, मैं तीन बच्चे मार ले, मेरे कोलो हुण कहर नहीं जे हुंदा, मैनू एक बच्चे नू जन्म दे दण दे, सेठा तेरा पर उपकार नहीं भुलांगी। सेठ कहण लग्या, तैनू पहलों कहा सी वी तू बच्चे नू जन्म नहीं दे सकदी, इहनू ना की देंगी, मैं अपना ना नहीं देना, इहनू ना की देंगी? कहण लगी, मैं दुनिया कोलो ना छुपा लांगी, लोक तेरे मत्थे ते कलंक लाउणगे। कहण लगी, मैं कलंक भी सहार लांगी, पर मैं इस बच्चे दा अपने वल्लों जन्म देना है, ते मैं इहनू कतल नहीं जे करना। आखिरकार सेठ दा मन पंगर गया ते उहने आख दिता भी कोई गल नहीं, जन्म दे दे। बच्चे नू जन्म दिता, स्कूल विच पा दिता, कुदरत दा भाणा वरतिया, सेठ दा बिजनेस खत्म हो गया ते ओ बर्बाद हो गया। अपने बच्चे नू लेके उठे खन्ने स्कूल विच पढ़ाउंदी है ते आप रोजी रोटी दी खातर लाहौर चले गई मां, लाहौर जाके ते उठे लोकां दे भांडे मांझ के, लोकां दे घर पोचे मार के, मामा बड़ियां औखियां पालदियां ने, जे मैं हाथ जोड़ बेनती करां, उठे औखी सौखी कट के उन्हें पालिया। पुत नूं कुछ समय बाद अपने कोल बुला लिया। एक दिन मां कम ते लै गई, कम ते वापस आई है ते आके जदों घर आई ते खंगी ते पुत ने वेख्या कोल रह के, मां तैनूं ते खांसी बड़ी होई है। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਟੀਬੀ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪੁੱਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਜੜ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।
हालत दिन प्रति दिन बिगड़ती चले गई। एक दिन मां कह लगी, पुत वे तू एक तमन्ना पूरी कर सकना? कह लगे दस मां। कह लगी, पुत मेनू मेरे सेठ दे कर ले चल, मेनू उदे बूहे ते लटा दई, मैं जेड़े आखरी स्वास ने अपने उस सेठ दे बूहे ते ले ला, मेरी तमन्ना पूरी कर दे। पुत लेके मां नू तुरिया, सेठ दे बूहे ते आया, सेठ ते सठानी चढ़ाई कर गए। उहदा पुत है जेड़ा बूहा खटखटाया, उहने अंदरों निकलदिया सार कहण लग्या, किवें आए हो? पुत कहण लग्या, मैनू पछाणिया नहीं, मैं तेरा भरा है। मेरी मां ते तेरी मां इको सेठ दे घर रहिंदियां सी। उहने ठुड्डा मारिया, कहण लग्या, चुक ले जा इहनू, मेरी कोई मां नहीं लगदी। पुत ने हाथ जोड़े, मेरी मां दी तमन्ना मैं नहीं लेके आउणी सी, पर इहदी तमन्ना इहनू चंद सवात इत्थे लै लैण दे। ते आखर उह कहण लग्या, जे चंद सवात ने शमशान भूमि लै जा, तैनूं चुक के लिजाणी औखी होवेगी। ठुड्डे मार के तोड़ दित्ता। पुत ने मां फिर चुकिया, मरन किनारे है, फिर तुर पिया। तुरी जांदी नूं फिर एक गल कहण लगी मां। कहण लगी, पुत है ते तू मेरी खातर बेइज्जत हुंदा फिरदे, पर जे तू एक तमन्ना होर पूरी कर ले, इथों ते जवाब मिल गया। मेरे पेके घर विचों मैं कोई बदनामी नहीं सी खटी, मेरे पेके घर विच लै चल, शायद उत्थे मेरे भरा भरजाई उत्थे लैके चला गया। उन्होंने भी आउंदियां देख के दरवाजे बंद कर ले। कहण लगे मां, इन्होंने भी दरवाजे बंद कर ले। कहण लगी, पुत हुण जिथे तेरी मर्जी है उत्थे लै चल। कहण लग्या, मां जे तू सच आखे मैं तैनू एक थां ते लै चला, उत्थे लोक ठुड्डे नहीं मारदे मां, उत्थे लोक किसे नू विधवा नहीं कहिंदे मां, उत्थे लोक किसे नू दुरकार दे नहीं मां, उत्थे लोक गरीबां नाल वितकरा नहीं करदे मां। मां कहण लगी, पुत वे इहो जी धरती केड़ी है? कहण लगे मां, उह धरती है धन गुरु रामदास दा घर, मैं तैनू उत्थे लै के जाना। पुत लेके अपनी मां नू इत्थे आ गया, चंद रोज इत्थे रहा। एक दिन खंसी बहुती उठी ते अपने पुत नाल गल करना चाहुंदी है, पर खंसी गल नहीं करन देंदी। दो कुट्टा मुंह नू लाईयां। कहण लगी, पुत वे मेरी छाती जमी पई है, बड़ा भार है। कहण लगे मां, मैं दवाई दिन्ना। कहण लगी, पुत मैं दवाई नाल ठीक नहीं जे होना। कहण लगे पुत, मां केड़ी गल नाल ठीक होना? कहण लगी, पुत मेरे दिल ते तीन भार बड़े ने, मैं तैनू दस नहीं सकी। अज मैं दुनिया तो जाना चाहनी है, तू मेरिया तीन गल्लां सुन लै। कहण लगे दस मां। कहण लगे मां, नफरत? मां कहण लगी, नफरत ते नहीं करेगा? कहण लग्या, नहीं मां नफरत नहीं करदा। कहण लगी दस। उहने तीन गल्लां दसियां। कहण लगी, पहली गल, मैं बिना व्याही सेठ दे घर रही, पुत वे ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਪੁੱਤ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਛੱਪੜ ਥੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, मैं तिना का पछतावा करांगा। तू कहनी मैं बिना ब्याही सेठ दे घर रही, मां तेरे नाल मैं वादा करना, मैं जिंदगी पर ब्याह नहीं करवावांगा। दुनिया ते मर जांदी अपने विकारां दी दुनिया विच, मैं किसे धी भैण नूं अख मैली नाल वेखांगा तक नहीं, मैं ब्याह नहीं करवावांगा, मैं पछताप करांगा। तू कहनी मैं तीन बच्चियां नूं मारिया, जिन्हां नूं लोक जम के छड़ जांदे ने, मां बाप नहीं मिलदे, मैं उन्हां नूं गलवकड़ी विच लैके पालांगा। तीजी गल मां, याद रखी, तू कहनी मैनूं घर नहीं बना के दे सकी, मैं जिंदगी पर घर नहीं बनावांगा, मैं उन्हां दा घर बनावांगा जिन्हां दा कदे कोई घर नहीं बनाउंदा। मां ते चढ़ाई कर गई, ओ पुत ने जिंदगी पर परन पालिया, उस पुत दा नाम भगत पूरन सिंह पिंगल वाले वाला। सजना, जाके कदे वेख उहने जिंदगी लिख ला दित्ती। सिर्फ इतनी कुवर्ज कर रहा सा, जिस दिन गुरु को आएगा, गुरु ते तेरा जीवन सुखा भरिया बना देगा, गुरु तेरे जीवन विच हमदर्दी रख देवेगा। गुरु को आई, गुरु तेरा जीवन लेखे विच ला देवेगा जी। मेरे माना
ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦੜਾਇਆ, ਬਿਨ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭੈ ਹੈ ਮਨ ਮੁਖ, ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਥਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੂੜ ਮੂਰਖਾਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਭਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇਸ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਇਤਨੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਧਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਰਤੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਥੀ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਪੱਖੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਥੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਘੜੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦੇ ਸਾਂ, ਚਰਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਥਾ ਰਮਾਲੇ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਲਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲੇ ਭੇਟਾ ਕਰੋ। ਮੁਬਾਰਕ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਰੁਮਾਲੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸਵਾ ਦੇ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਰੁਮਾਲੇ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾ ਦੇ, ਦੂਜਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਾ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਲਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਕੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਾਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਰ ਉਹ ਬਦਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਡ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੈੱਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ, ਤਿੰਨ ਸਭ ਜਨ ਮੇਆ ਕਥਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਕਾਥਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨਾਂ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨਾਂ ਸਾਧ ਭਾਗ ਸੇਵੇ, ਤਿੰਨ ਸਫਲ ਜਨਮ ਸੁਨਾਥਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ,
उन्हां दा जन्म लेखे विच है, उन्हां नूं मेरा गुरु भी प्यार करदा है, उन्हां नूं मेरा परमेश्वर भी प्यार करदा है। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। अपने मन अंदर झात मार के देखिए, गुरु ते उन्हूं कबूल करके अपना रूप बना लेंदे ने जी। मोकाओ की जय दास, दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा। जगन्नाथा दा अर्थ हुंदा है दुनिया दे नाथ, जगत दे नाथ। मेरे ते इक कृपा कर दाते आ, तुसी गल समझाई ते मैनू समझ विच आ गई। हुण कृपा करो जे मोको कीजे दास, दास दासन को। आ सबक सीखना सी गुरु कोलो। असी साहिब बन के आउने आ, असी गुरु चरणा में साहब बन के आने। पहला तो फैसला कर भी साहब इको ही है, मैं उसकी गोद में चले हैं। नीवा होके आइए, मना नीवे होके आइए, इस दर ते कबूल तो होवांगे। जो तू अणख ते गैरत की गल करे श्री अकाल तख्त साहब को समझी, जो गुरु को बरकत लैन आवे उदो हरिमंदर साहब नीवी थां ते बनिया होया। और सिर्फ तुसी याद रखो जे 1604 विच श्री हरिमंदर साहब च प्रकाश होया, 1609 विच श्री अकाल तख्त साहब बनिया। कोई बहुती वड्डी गल नहीं है, थोड़े जे अरसे का फर्क है, सिर्फ 5-6 साल का। उहदे विच ही गुरु किड्डा वड्डा सबक सानू दे गया। अपने मन अंदर झात मार, बना तू नीमा होके आ, ए बेनती कर सतगुरु मैनू अपने दासां दा, दासां दा दास बना लो जी। हमें अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाल है मार्ग पंथा। सतगुरु असी अन्ने हैं, पर केड़े अन्ने हैं? ज्ञानहीन, ज्ञान तो सखने अन्ने हैं। एक ते अन्ना हुंदा है, पर उहदे कोल ज्ञान ते हुंदा है ना, उन्हें समझा देगी और समझ जाता है। पर मेरे दातिया हम अंधले, अंध बिल्कुल गहरे अन्ने हैं, बहुत गहरे अन्ने हैं। हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चल रहे गुर चाली, सतगुर दया करे सुख दाता हम लाभे आपन पाली। सानू कृपा करके अपने पल्ले नाल लारे दातिया। ये भी गुरु की बाणी का बचन आंदा है, आपां बहुत बारी पढ़ने। एक बचन होर ख्याल विच रखियो, जे साहिब जी आखते ने सुन अंधा कैसे मार्ग पावे। मैं सुन के किवें मार्ग पा सकना, कर गए लेहो ओढ़ निभावे। मेरा हाथ पकड़ के मैनूं छड्डा। कहन लगे क्यों जे तैनूं समझाइए समझ नहीं लगदी। कहंदे नहीं दातिया मैनूं समझ नहीं लगनी। कहां बुजारत बूझे डोरा, निच कहिए तो समझे भोरा। मेरी ते इन्नी अकल ही नहीं है। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चल है मार्ग पंथा। असी ते ज्ञान तो सखने अखां तो अन्ने हां दाता जी। हमें अंधले का गोरे अंचल दी जाए, जाना नानक चला है मिलंथा। मैनू ते नेत्रहीन बंदे नू, मैनू ते अंधे बंदे नू सतगुरु अपनी दया दा अंचल दा अर्थ हुंदा है पल्ला, अपनी बख्शिश दा पल्ला पकड़ा दे। मैं तद ही जाके पार अपने मालिक दी गोद विच अपीर हो सकदा है। नानक चले मिलंथा, मैं उन्हां नाल मिलके तेरा पल्ला पकड़ के उहदे नाल मिलके अपनी मंजिल तक पहुंच जावां। गुरु अगे अरदास करिए, बेनती करिए, आओ सारे रल मिलके नवे रूप विच सिखी नूं कमाउण दी कोशिश करिए। जालम बेड़ी डोबण ते लगे होए ने, आपां गुरु बख्शिश ते चप्पू ला के बेड़ी नूं तारन दी कोशिश करनी है। जेड़े गुरु दा लड़ पकड़ के तुरनगे, यकीन करके जाने हो, बेड़ियां डोबण वाले निराश हो जाणगे, इक दिन बेड़ियां तारन वाले तर जाणगे। क्योंकि यह गुरु बेई नदियां विच भी नहीं डुबदा, यह गुरु किसे समुंदरां विच भी नहीं डुबदा। गुरु अगे अरदास करो, सिखा गुर तार तारन हारिया, जे भगत पूर्ण अविनाशी हो तुझको बलिहारिया। ओ खालसा पंथ दी बेड़ी अज भी तर जाएगी, जे किते गुरु नाल जुड़ जाइए। पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करिए जी। हमें अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाल है मार्ग पंथा। हमें अंधले का गोरे अंचल दी जाए, जाना नानक चल है मिलंथा। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।